Bismillah rahman rahim. I am Muhammad Arsalan from Grammar A to Z. These are the most important MCQs of ninth class, which I collected especially for you for the sake of getting full marks in that particular subject. Before embarking on the lesson, I would like to tell you one important thing. This is the part one of the lecture. These are the forms of the verb. The part two of the lecture, which is related to the grammar, will be uploaded. टो इनशालाउट एनी डिले लेट स्टार्ट द लेक्स ऑफ नाइन्थ क्लास शी हर कैट वेरी मच ये फिक्स ट्रूथ है कोशिश करें कि जल्दी से सम अप हो जाए ये फिक्स ट्रूथ है फिक्स ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इन डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और ही शी इट के साथ शी लव हर कैट वेरी मच आगे जी सेकंड वाला शी हर वर्क वेन द गेस्ट अराइव जब भी दो पास्ट इकट्ठे आ जाएं तो हम उनका तर्जमा करते हैं पास्ट परफेक्ट और पास में यहां पर देखेंगे ये द गेस्ट अराइवड हमारे पास पासिनेट आ गया है अब ऑप्शन में वाज डन पैसिव है नहीं आ सकता डन थर्ड फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब नहीं है नहीं आ सकता डू फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये प्रेजेंट का टेंस है ये नहीं आ सकता तो क्या आएगा

फ्यूचर एंड डेफिनेट को फ्यूचर एंड डेफिनेट में हम विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं सो तो कम तो नहीं आ सकता ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट है केम नहीं आ सकता पास्ट एंड डेफिनेट है हैड कम जो है ये पास्ट परफेक्ट है नहीं आएगा तो ही विल कम टू अस टुमारो ठीक होगा सर आई हैड द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग He not reply my उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया सो ही डिड नॉट डिट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है आपको जानते हैं डू की सेकेंड फॉर्म डिट है थर्ड फॉर्म डन है तो ही डिड नॉट अप्लाई माई लेटर

सिंपल काम लगेगा क्यों ये हमारा क्या है कंडीशनल टाइप वन सो आठवां देखिएगा जनाब इट रेनिंग सिंस लास्ट नाइट अब सिंस लगा हुआ है सिंस जनाब ये है जो इंडिकेट करता है कि इसका तर्जमा आपने परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है खा वो परफेक्ट प्रेजेंट का हो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो सकता है सो so, यहाँ पर ईज तो लगाने से रहे ये कंटिन्यूस है प्रेजेंट कंटिन्यूस बाद भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये पास uh, कंटिन्यूस है विल जो है ये हमें फ्यूचर इंडिकेट करता है तो आज ऑप्शन बचता है हैड बीन इट हैड बीन इट इन द विंटर विंटर में तो फिक्स ट्रूथ है जी फिक्स ट्रूथ है तो इट रेन्स इन विंटर सर्दियों में बारिश होती हैं इट रेन्स इन

बेबी फॉर मिल्क नाउ आ जाए प्रेजेंट आ जाए हमने सीख लिया जी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इसका करते हैं तो the baby is ठीक हो गया the code, its verdict, on Thursday, आने वाले दिन है आने वाले दिन के लिए हम फ्यूचर इस्तेमाल करते हैं तो द कोर्ट गिव अदालत अपना फैसला जो को सुनाएगी द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट फैसला द पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर आने वाला ये ये आने वाला वक्त है भाई हम सिंपल बिफोर पो बिफोर को ही देखते रहेंगे तो हम कहेंगे यार खैर मुमकिन है इसका पास डेफिनेट में तर्जमा लेकिन अगर गौर करो तो ये दी एंड ऑफ द ईयर ये तो आने वाला वक्त है ना तो इसलिए दे विल हैव लेफ्ट दे विल हैव लेफ्ट क्या हो वो साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे वो साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे वो साल खत्म होने से पहले पाकिस्तान छोड़ चुके होंगे दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर सोल मैन सी ध्यान से देखिएगा द टू बुक्स आई ब्लैंक टू बुक्स आई हैव रेड मैं पढ़ चुका हूँ आई हैव रेड सेंस बता रही तो आई हैव रेड टू बुक्स मैं दो किताबें पढ़ चुका हूँ प्रेजेंट आ जाए नाउ आ जाए तो इट

इंडिकेट करता है कि भई ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है अब पास्ट का है प्रेजेंट का है फ्यूचर का है किसका है कमिंग तो आने से रहा वाद काम नहीं आ सकता ये तो पैसिव हो जाएगा तो एक इधर रह जाता हैड बीन कमिंग तो क्या हो जाएगा ही हैड बीन कमिंग बड़ा आसान है बस थोड़ी सी दो इंशाल्लाह तआला हो जाएगा नौ आ जाए प्रेजेंट आ जाए हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो शी इज स्पीकिंग